हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 11th ऑफ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का ये हमारा क्लास नंबर 11 है। प्रीवियस क्लास में हमने सैलिनिटी स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लास में हमने सैलिनिटी के बारे में जाना, सैलिनिटी क्या होती है, देन इसके बाद सैलिनिटी के और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे। इसके बाद फिर हमने देखा फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को। तो प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो पहले क्लास नंबर 10 को देखना, देन इसके बाद इस क्लास को देखना, क्योंकि ये वाली क्लास क्लास 10th से ही जुड़ी हुई है। आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो दो तरह से पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसकी, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सैलिनिटी का, उसके बारे में। ठीक है, देन इसके बाद वर्टिकल पढ़ेंगे। बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब यहाँ पर बात की गई है अक्षांशों की। ठीक है, 0 डिग्री पर कैसे सैलिनिटी है, फिर 10 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री नॉर्थ पोल, इस तरह से यहाँ पर बताया गया लैटिट्यूडनल, मतलब लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। देन इसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में कितना है, देन फिर अलग अलग ओशियंस के बारे में, पैसिफिक ओशियन के फैक्ट्स देखेंगे, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सैलिनिटी डिक्रीज होती है इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ चलते हैं। इक्वेटर पर सैलिनिटी ज़्यादा है तो पोल पर जाते जाते कम होती चली जाती है। तो ध्यान रखना, सैलिनिटी डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर। इक्वेटर पर क्यों ज़्यादा होती है, देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है, हालांकि रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। अब रेनफॉल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सैलिनिटी के। ठीक है, तो दो फैक्टर तो काम कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो सैलिनिटी ज़्यादा, इवोपरेशन ज़्यादा तो सैलिनिटी ज़्यादा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। रेनफॉल ज़्यादा तो डिक्रीज करता है सैलिनिटी को, लेकिन दो फैक्टर ज़्यादा हैं तो इक्वेटर पर सैलिनिटी कम है अगर एज कंपेयर करें 20 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि सैलिनिटी इक्वेटर पर ज़्यादा होगी या फिर ट्रॉपिक्स पर। ठीक है, ऊपर जैसे थोड़ा बढ़ेंगे वहाँ पर ज़्यादा है, 5 से 10 बोल देंगे या 5 से 20, इस तरह से बोल दिया जाएगा। तो इक्वेटर पर सैलिनिटी कम होती है। अगर 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, इवोपरेशन हाई होता है, रेनफॉल कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। अगर इक्वेटर के कंपेयर में देखें या रेनफॉल क्या है, कम होता है, तो सैलिनिटी कैसी होती है 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर, हाईएस्ट सैलिनिटी। हाईएस्ट का मतलब ग्लोब पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी यहीं पाई जाती है। 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड देखें तो सैलिनिटी क्या है, लो हो जाती है। जैसा कि हमने बताया पोलर रीजन में ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। ठीक है, पोलर रीजन में ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पानी किधर जाएगा, वो जाएगा 40 से 60 लैटिट्यूड, मतलब कि इधर लैटिट्यूड की तरफ। तो जब यहाँ पर पानी मिक्स होगा तो सैलिनिटी क्या है, डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पोलर रीजन पर मिनिमम सैलिनिटी होती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम होती है 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर और मिनिमम होती है पोलर रीजन पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेज है, यहाँ पर जो नोट्स बनाए हैं ये काफ़ी रिसर्च के बाद, मतलब यहाँ पर इजी वे में आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। अगर लैंग्वेज में लिखते, लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते आप, तो यहाँ पर आपको आसानी से समझाने के लिए इजीली नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है इक्वेटर पर सैलिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है, 40 से 60 पर सैलिनिटी कम हो जाती है, पोलर पर मिनिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है। कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, मार्जिनल एरियाज ऑफ द ओशियन बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट्स हैव लो सैलिनिटी।
ठीक है, ओशियन का जो एरिया है वो कॉन्टिनेंट से लगता है, ठीक है, उसकी सैलिनिटी कम होती है देन द सेंट्रल पार्ट बिकॉज फ्रेश वाटर इज एडिड टू द मार्जिनल एरिया थ्रू द रिवर्स। मार्जिनल एरिया पर सैलिनिटी कम होती है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ ओशियन है, ठीक है, तो सैलिनिटी यहाँ की क्या है, कम होगी, क्योंकि रिवर्स पानी यहाँ पर गिराती हैं। अगर बीच ओशियन की बात करें तो सैलिनिटी यहाँ ज़्यादा मिलेगी, यहाँ सैलिनिटी कम मिलेगी, क्योंकि रिवर क्या है, अपना पानी यहाँ पर गिराती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये, ओपन सी और क्लोज्ड सी की बात करें, ओपन सी में सैलिनिटी क्या है, कम देखने को मिलेगी, और क्लोज्ड सी में क्या है, सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। ये एक ग्लोब का डायग्राम बनाया गया है, वही जो अभी समझाया था कि इक्वेटर पर इवोपरेशन से ज़्यादा क्या है, प्रेसिपिटेशन होता है, इस वजह से सैलिनिटी यहाँ पर एज कम्पेयर टू 20 से 40 के मुकाबले सैलिनिटी कम पाई जाती है थोड़ा। 23.5 की बात करें तो इवोपरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, तो इसलिए सैलिनिटी यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलती है। 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है, इवोपरेशन भी कम होता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है इवोपरेशन से, इसलिए सैलिनिटी कम होती है। पोलर रीजन की बात करें तो टेम्परेचर भी कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इवोपरेशन कम, प्रेसिपिटेशन कम, इसलिए सैलिनिटी पोलर एरिया की सबसे कम, लोएस्ट होती है, सैलिनिटी पोलर एरिया की क्या है, लोएस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, जैनकिंस ने डिवाइड किया है ओशियंस को, ठीक है, तीन, यहाँ पर तीन कैटेगरीज में, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी वेरिएशन के बेस पर। एक सी इज हैविंग सैलिनिटी अबव नॉर्मल, तो पहले सी वो बताए हैं जो नॉर्मल सैलिनिटी से ज़्यादा इनकी सैलिनिटी होती है, वो रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, जितने भी क्लोज्ड सी या ओशियन होंगे वो उनकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। रेड सी की बात करें तो ये भी क्लोज्ड है, ठीक है, अफ्रीका और जो एशिया का पार्ट है, तो उसके बीच में पर्शियन गल्फ भी क्या है, लैंडलॉक्ड है एक तरह से, मेडिटेरेनियन सी भी, तो इनकी सैलिनिटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। सी इज हैविंग नॉर्मल सैलिनिटी, इसमें कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बैस स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ETC, तो इनकी सैलिनिटी नॉर्मल होती है। सी इज हैविंग सैलिनिटी बिलो नॉर्मल, जो नॉर्मल से भी कम होती है वो आर्कटिक सी, इंग्लिश चैनल, हडसन बे, बाल्टिक सी, ETC। बाल्टिक सी की सैलिनिटी बहुत कम है, ठीक है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, एवरेज सैलिनिटी ऑफ द अटलांटिक ओशियन की, एवरेज सैलिनिटी 35.67 है। सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन ग्रेजुअली डिक्रीज साउथवर्ड, साउथ में क्या है, डिक्रीज होती है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है बाल्ट एज कम्पेयर टू जो नदन पार्ट होता है, ठीक है, नदन में क्या है, लैंड भी है, इधर क्या है, सैलिनिटी डिक्रीज इसलिए होती है, पानी ज़्यादा है और रिवर्स नहीं मिल पाती, ऊपर क्या है, लैंड है, कॉन्टिनेंट से मिलती है, तो इसलिए सैलिनिटी ज़्यादा। बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, बाल्टिक सी की सैलिनिटी कम होती है। मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी हाई है, किसकी वजह से, इवोपरेशन ज़्यादा होता है एंड लिटिल मिक्सचर ऑफ अटलांटिक वाटर। अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा सैलिनिटी है अरेबियन सी की। क्या क्या रीज़न है, एक तो रिवर्स इधर कम मिलती है अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में बड़ी बड़ी रिवर्स अपना पानी गिराती हैं, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ETC, ठीक है, ये रिवर्स अपना पानी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैलिनिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन हाई लैटिट्यूड्स, ठीक है, हाई लैटिट्यूड्स में सैलिनिटी इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ, लेकिन 200 फैदम तक आते आते फिर ये रुक जाती है, कन्फाइंड टू 200 फैदम्स फ्रॉम द सरफेस इन मिडिल लैटिट्यूड्स,
ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड में 200 फैदम तक ये कन्फाइंड रहती है। सैलिनिटी इज लो एट द सरफेस एट द इक्वेटर ड्यू टू हाई रेनफॉल एंड ट्रांसफर ऑफ वाटर थ्रू इक्वेटोरियल करंट। तो इक्वेटर पर सरफेस की सैलिनिटी कम होती है क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा है, पानी का ट्रांसफर होता है करंट के थ्रू, इस वजह से यहाँ की सैलिनिटी इक्वेटर पर कम है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है सैलिनिटी का, ये 0 डिग्री है इक्वेटर, बोलते हैं 0 डिग्री को विषुवत रेखा, देन 30 डिग्री शो किया गया है, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अगर सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी 0 डिग्री पर 200 मीटर तक क्या है, कम होती है, देन फिर बढ़ती है और 1000 तक कन्फाइंड होकर फिर 1000 से नीचे फिर से घट जाती है, क्योंकि टेम्परेचर घटता है तो सैलिनिटी भी घटती है। ठीक है, 30 डिग्री पर सैलिनिटी 200 मीटर तक हाई होती है, 0 पर सैलिनिटी कम होती है, ठीक है, इक्वेटर पर, देन 60 पर सैलिनिटी घटती है, बताया था हमने पानी आता है पोलर रीजन से, ठीक है, और सैलिनिटी यहाँ भी घटती है मेल्टिंग ऑफ आइस के कारण। तो सैलिनिटी सिर्फ किस जगह ज़्यादा है, 30 डिग्री पर ज़्यादा है। ठीक है, अगर और बात करें फिर नीचे जाएं 200 से, तो सैलिनिटी यहाँ क्या है, बढ़ती है, यहाँ घटती है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, यहाँ घटती है फ्लो ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस के कारण, यहाँ बढ़ती है, देन 500 मीटर तक जाने तक 1000 से 500 सैलिनिटी घटती है, घटती है, घटती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है सभी जगह। हमने बताया था कि टेम्परेचर भी क्या है, 1000 मीटर तक जा से नीचे जाने पर फिर इक्वल सा हो जाता है, फिर क्या है, टेम्परेचर सब जगह का समान होता है। तो यहाँ पर हमने सैलिनिटी चैप्टर पढ़ा, 2 क्लास में सैलिनिटी हमने कवर किया है, प्रीवियस क्लास में बेसिक चीज़ें बताई सैलिनिटी से रिलेटेड, आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा सैलिनिटी का। तो इस क्लास में इतना ही, अब तक हमारे क्या है, ओशियन बॉटम रिलीफ हमने पढ़ा 6 क्लासेस में, ओशियन बॉटम रिलीफ जो बड़ी यूनिट थी वो कवर की, टोटल 6 क्लासेस लगे। ठीक है, देन हमने टेम्परेचर ऑफ ओशियन स्टार्ट किया था, 2 क्लास में हमने उसको भी कवर किया, देन 1 क्लास में हमने डेंसिटी को कवर किया, 1 क्लास में हमने डेंसिटी को कवर किया, 2 क्लास में हमने सैलिनिटी को कवर किया है। तो अब तक हमारी टोटल 11 क्लासेस हो गई हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम अब यहाँ पर ओशियन डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन डिपॉजिट्स, देन फिर आगे टाइड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, टाइड्स, मैरीन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, मैरीन रिसोर्सेज, देन करंट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो 4-5 यूनिट बची हैं, तो ये हम जल्दी ही इस मंथ में कवर कर लेंगे, तो अप्रैल तक आपका ओशियनोग्राफी कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।